अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं गांव जा रही हूँ, सोचा आपको साथ लेती चलूँ। तो चलें और आपको दिखाती हूँ खूबसूरत से माल्टों के बाग और प्यारी प्यारी रोडें, प्यारे प्यारे लोग, खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर। तो इस टाइम हम मुल्तान से निकल चुके हैं और अपने मंजिल की तरफ रवान दवा हैं। तो साथ साथ आप मेरे चलें और मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो के एंड में ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और खूबसूरत से व्लॉग्स लेके आऊँ। तो देख सकते हैं कि हम अभी जीटी रोड से जा रहे हैं। तो ये आप खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं और ये जी इस तरफ खेत हैं जो अभी फसलें उगनी हैं जिनमें, और साथ प्यारे प्यारे बाग हैं माल्टों के और आम के। तो आपको पता है मुल्तान में आम के बाग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आप यहाँ दूसरी साइड पे देख सकते हैं आम के बाग, और आगे कुछ माल्टों के बाग भी आएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें ताकि मैं आपको और भी बहुत सी खूबसूरत चीज़ें दिखा सकूँ। तो फ्रेंड्स, मोटरवे का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। हम मोटरवे से जाएंगे अपने गांव, और आप देख सकते हैं ये मोटरवे लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद तक जाती है। पर हम बीच रस्ते में अब तलकीन वाली साइड से उतर जाएंगे और फिर हम अपने गांव जाएंगे। और इस मोटरवे की निशानी है ये जो ग्रीन पाइप्स है ना, ये जो बोर्ड आया था जिसमें लिखा था सीधा चौथ तो इस्लामाबाद आ जाएगा, इस साइड चौथ तो मुल्तान या लाहौर आ जाएगा। तो अब ये आप देख सकते हैं और मैं आपको आगे भी दिखाती चलती। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कच्चे कच्चे घर बने हुए हैं। इनको देख के ना दिल खुश हो जाता है, इतने खूबसूरत खूबसूरत लग रहे होते हैं छोटे छोटे घर बने हुए, और इनके दिलों में बहुत प्यार होता है सबके लिए। जी ये लाहौर, इस्लामाबाद एंड कबीरवाला बोर्ड आ चुका है। ना हमने लाहौर जाना है, ना हमने इस्लामाबाद जाना है, ना हमने कबीरवाला जाना है। अब मैं आपको बताऊंगी हमने कहाँ जाना है। तो जी ये देखें ग्रीन ग्रीन पाइप्स, ये बहुत ही खूबसूरत है। दूसरी जो लाहौर और इस्लामाबाद वाली मोटरवे है ना, उन पे ये पाइप्स नहीं है, लेकिन ये जो अब बनी है इन पे ये पाइप्स लगाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा मोटरवे का सफ़र ख़त्म हुआ जा रहा है और इस साइड पर कबीर वाला है, तो हम इस साइड से जाएंगे। तो देखें हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे गांव की सबसे ख़ास बात जो है ना, वो मैं आपको वहाँ जा कर बताऊँगी कि क्या है। अभी आप इस सफ़र को खूब इंजॉय करें विद खूबसूरत सा म्यूज़िक। और ये देखें जी, फसलें उग रही हैं और दरख्त प्यारे प्यारे, खूबसूरत से मनाजिर। ओके जी, मेरी वीडियो को मस्त लाइक कीजिएगा, ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ताकि आप मुझे पता चले आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और मैं आपके लिए और भी व्लॉग्स लेके आऊँ। और सब्सक्राइब तो करना मत ही भूलिएगा। तो जी फ्रेंड्स, हम लोगों ने ले लिया है जी अपने टर्न वगैरह ले लिया है, अब आए हैं टूल प्लाज़ा। वो जी टूल प्लाज़ा आ गया। तो जी क्या है, कौन सा टूल प्लाज़ा है वो मैं आपको बताती हूँ। और हमारा मोटरवे का सफ़र यहाँ तक ख़त्म हुआ और अब हम पहुँच गए अब्दुल हकीम टूल प्लाज़ा। जी हम अब्दुल हकीम जा रहे हैं और ये जी शाम का टाइम हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं लोग अपने घरों को जा रहे हैं काम से, और ये बहुत ही प्यारी छोटी रोड है लेकिन बहुत खूबसूरत लगती है। दरख्तों में घिरी हुई रोड, जैसे देख सकते हैं आप, प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं और सनसेट हो रहा है, सूरज का रूप होने वाला है और प्यारे प्यारे से दरख्त, सब कुछ प्यारा प्यारा लग रहा है जी। तो
दूर से जब आप देखें दरख्त कितने खूबसूरत लग रहे हैं और रोड को ढका हुआ है उन्होंने, यही खूबसूरत मनाजिर गाँव के जो हम दिलकश होते हैं। तो हम जा रहे हैं गाँव जी फ्रेंड्स। तो अभी हमारे गाँव को आने में बहुत टाइम है, मतलब थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे गाँव की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील साहब रहते हैं, उनका घर है और उनकी अपनी बनाई हुई मस्जिद है, मदरसे हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ी सी गांव के लोगों की वीडियो दिखा दूँ कि वो कितने मिलजुल के बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे आ रहा होगा आपको नज़र आ रहा होगा और साथ खेत वगैरह भी आपको दिखाऊं। ये जी बाग है, आम का बाग, और ये मौलाना तारिक जमील साहब की बेटे की फैक्ट्री है। बस हम पहुंच गए हैं उनकी फैक्ट्री तक पहुंच गए, तो मतलब अब उनका घर भी आने वाला है, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा घर आ जाएगा और फिर हम घर चले जाएंगे। तो ये सारा जो है ना इसी एक रोड पे, और जिस साइड पे फैक्ट्री थी ना उसी साइड पे उनका घर भी है। तो फ्रेंड्स बस हम पहुंच गए, उनका घर मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन ये जो आपको खेत नज़र आ रहे हैं, वो जो आपको खंबा सा नज़र आ रहा है, इस साइड पे उनका घर है। और इससे थोड़ा सा आगे हमारा घर आ जाएगा। ओके जी, हम अपने गांव पहुंच गए, माशाल्लाह हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला है। ये जो रोड है ना, इस साइड में रईसाबाद, इस साइड में मौलाना तारिक जमील साहब का घर है, और बस अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस व्लॉग को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।